अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे मौलाना, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा जोर से बोलेंगे, कौन और कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं लेस्टर से बोल रही हूँ। माशाल्लाह, खैरियत से आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्लाह की बड़ी करम नवाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए। मेरे को पूछना है। किसके लिए? मेरी पोती के लिए। जी पुप्पी के लिए। मेरी पोती को है ना, वो 4 साल की है, तो उसको थोड़ी पेशाब की तकलीफ होती है, तो पेशाब बहुत निकल जाती है इसकी, तो इसका इलाज छोटा पेशाब जो है वो मतलब ये कि उसकी उम्र कितनी है? 4 साल की है। 4 साल? जी। अच्छा, उमूमन बास बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे बच्चियाँ जिनके जो है ना ये मसाने की कमजोरी होती है, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन मसाने की कमजोरी वालों के लिए तिल का इस्तेमाल करवाएं। तिल का इस्तेमाल जो हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में मिलते हैं, तिल के लड्डू जैसे होते हैं, तो वो बच्चों को दिन में भी खिलाएं और रात को सोते वक्त उनको हल्दी वाले दूध के साथ यानी कि तिल को ग्राइंड कर लें, पाउडर फॉर्म में बना लें तो और भी अच्छा है। यानी कि व्हाइट तिल और ब्लैक तिल माशाल्लाह यहाँ आसानी से भी मिल जाते हैं माशाल्लाह हमारी एशियन शॉप से, तो वहाँ से आप उसको ले लें, उसको ग्राइंड कर लें और रात को सोते वक्त जो है आप इसको हल्दी वाले दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं बच्ची को, इंशाल्लाह इससे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसके मसाले की कमजोरी खत्म हो जाएगी। क्योंकि बच्चों की क्या होती है, बाद बच्चे के मसाले कमजोर होते हैं, वो बिस्तर पर अक्सर बेड पे जो है पेशाब कर देते हैं, तो उनकी वो मसाने की कमजोरी होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ वो कमजोरी फिर जो है दूर होती चली जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करना।